मध्य प्रदेश भाजपा संगठन चुनाव के दौरान भाजपा की गुटबाजी इन दिनों काफी देखी जा रही है। जिलाध्यक्षों के नामों पर रायशुमारी तो हो गई, लेकिन फिर भी प्रदेश के 19 जिलों के अध्यक्षों के नामों का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है। अब इसे बदलाव की आहट या अध्यक्ष पद की तकरार के रूप में देखा जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सबसे अनुशासित पार्टी कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिलाध्यक्षों के लिए 30 नवंबर को राय शुमारी कर चुकी बीजेपी अब तक अपने सभी जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है। इतना जरूर है कि जितने नामों का ऐलान हुआ है उसमें प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। सियासी जानकार इसे बीजेपी में बदलाव की आहट के रूप में भी देख रहे हैं। दरअसल पार्टी में जिलाध्यक्षों के लिए रायशुमारी होने के 8 दिन बाद भी सभी नामों का ऐलान ना हो पाना कुछ इसी तरफ इशारा करता है। संगठनात्मक जिलों में जिलाध्यक्षों की रायशुमारी के बाद पहली सूची में पार्टी ने केवल 33 जिलाध्यक्षों के नामों का ही ऐलान किया है। 19 नामों का ऐलान अभी भी बाकी है। सूत्रों की माने तो भोपाल इंदौर समेत 19 संगठनात्मक जिलों में बड़े नेताओं के बीच एक राय नहीं बन पाने की वजह से जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा नहीं हो सकी। पार्टी विधान के मुताबिक कुल संगठनात्मक जिलों में 50% में जिलाध्यक्षों का निर्वाचन होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। इस लिहाज से 57 संगठनात्मक जिलों में से 52 पर निर्वाचन की प्रक्रिया हुई थी, जिसमें से 33 जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा भी कर दी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीखों का ऐलान हो सकता है। पहले जिलाध्यक्षों के नामों पर पेंच और अब प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की कवायद। बीजेपी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर दावेदारों की संख्या भारी पड़ रही है। बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष के दावेदारों पर एक नजर डाले तो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के अलावा जो नाम दावेदारी में आगे हैं, उनमें प्रमुख रूप से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह, राज्यसभा सांसद प्रभात झा, पूर्व संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा और खजुराहो सांसद बीडी शर्मा शामिल हैं। सूत्र बताते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं इस पद के इच्छुक हैं। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अपनी ओर से आश्वस्त किया है कि यदि पार्टी उन्हें मौका देती है तो वे प्रदेश की कांग्रेस सरकार के लिए सबसे कठिन चुनौती साबित होंगे। हालांकि मीडिया के सामने शिवराज इससे इनकार कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन चुनाव में उनकी गुटबाजी सतह पर आ गई है। सभी नेताओं ने केवल और केवल अपने समर्थक पट्ठों को बिठाने के लिए काम किया है। राकेश सिंह जी ने स्वयं कटनी में अपना जिला अध्यक्ष, जो उनकी 55 साल की उम्र की क्राइटेरिया थी, उससे पार जाके 57 साल के व्यक्ति को अपने खुद के लोकसभा क्षेत्र में जिला अध्यक्ष बनाया है। इससे पता चल सकता है कि राकेश सिंह जी ने किस तरह से पार्टी की गाइडलाइन को धता बताया है। उसी तरह से अन्य जिलों में भी केवल पार्टी विवाद और संगठन में काम करने वाले नेताओं को मौका नहीं देना चाहते हैं, इसलिए 19 जिलों की घोषणा नहीं हो पा रही है। मैं आपसे दावे से कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में भाजपा में एक भी काम करने वाले कार्यकर्ता को मौका नहीं मिला है। साथ ही जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है भाजपा,
घोषित जिला अध्यक्षों में से एक भी महिला को जिला अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, ये निश्चित ही चिंता का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष का जब भी चुनाव होगा तो सड़कों के ऊपर संग्राम दिखाई देगा। देखिए, छोटे छोटे कबीलों में बटी हुई कांग्रेस निश्चित रूप से आज उनके यहाँ पे गुटबाजी चरम पे, इसलिए उनको ये लगता है। आप जब भी कांग्रेस से कोई बात करेंगे तो वो सीधे सीधे एक आरोप भाजपा पे मरते हुए नजर आएंगे। कहीं कोई गुटबाजी नहीं है, 33 जिलों की घोषणा हो गई और बहुत जल्द जो बचे हुए जिले हैं उनकी भी घोषणा हो जाएगी। हालांकि बीजेपी की पार्टी लाइन के मुताबिक आम तौर पर जो प्रदेश अध्यक्ष नॉमिनेटेड होता है उसे निर्वाचन का मौका मिलता है, इस लिहाज से देखें तो राकेश सिंह का दावा मजबूत है। लेकिन जिस तरह प्रदेश में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और राकेश सिंह के बीच मतभेद सामने आए हैं और बीजेपी को प्रदेश की सत्ता से बाहर होना पड़ा, उसे देखते हुए क्या केंद्रीय आलाकमान प्रदेश बीजेपी के सेनापति के नाम पर कोई बड़ा बदलाव करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।